तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं इस सत्याग्रह के सेशन में। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ये सेशन मैं पहली बार कंडक्ट कर रहा हूं और हम लोग 100 से भी ज्यादा सेशन सत्याग्रह के कर चुके हैं। 2020 जुलाई में हमने शुरू किया था और 2021 में अभी फिलहाल हम लोग 100 से भी ऊपर सेशन कर चुके हैं। तो सभी को बधाइयाँ। इन सेशन के थ्रू हमने एक जर्नी कवर करी है और जो जर्नी वाकई में बहुत मायने रखती है चीज़ों को समझने के लिए और नए लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप पांडे जी का, फैजल खान जी का, बॉबी जी का, अंकित जी का, जो लोग जिन सभी लोगों ने इस प्रयास को सफल बनाया है। तो फैजल खान जी का इंट्रोडक्शन मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं और उनका कद बहुत बड़ा है, तो वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। और मेरे ख्याल से आप सब उनको जानते होंगे, बट मैं दो लाइनें फिर भी उनके बारे में कहना चाहूंगा कि वो खुदाई खिदमतगार से आते हैं और उन्होंने सबका घर दिल्ली में एक बनाया हुआ है, जो वाकई में सही मायनों में सबका घर है और जहाँ पे हर तरह के युवक मैंने देखे हैं वहाँ पे रहते हुए, और जो अपने 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 जीवन में जो भी प्रयास कर रहे होते हैं उन उनमें फैजल खान जी सहायता करते हैं उन युवकों की। ठीक है, तो आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि जो किसान आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में, दिल्ली बॉर्डर में अलग अलग क्षेत्रों में, उन किसान आंदोलनों के बारे में हमारे क्या विचार हैं और आगे उस पर हम क्या कर सकते हैं। तो फैजल खान जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना बिल्कुल चाहूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल तो बीजेपी, जैसा सब जानते हैं कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स रही है हमेशा वो पोलराइजेशन और डिवाइसिव पॉलिटिक्स रही है शुरू से ही। और क्या आपको लगता है कि इनकी ये स्ट्रैटेजी आगे 2024 तक भी चलेगी और काम आएगी, या आपको लगता है कि किसान आंदोलन जो अभी चल रहे हैं उसके तहत कुछ बदलेगा और 2024 में कोई बदलाव आएगा? आपने भी, आप तो कल हम लोग के साथ में ही थे और आपसे भी जैसे चर्चा हो रही थी और लगातार हम लोग जहाँ भी होते हैं चर्चा करते रहते हैं, तो कुछ ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि क्योंकि बदलाव जो करेंगे वो तो लोग ही करेंगे, हमारे कहने से या कुछ लोगों के से तो नहीं होगा। तो अक्सर लोग ये समझ गए हैं, जो इनकी जो जिसको आपने कहा कि इनकी राजनीति है बांटने की राजनीति, उसको अक्सर लोग अब समझ रहे हैं धीरे धीरे। और जिस तरह से ये समझ मजबूत होगी और जो व्यापक होगी, वैसे वैसे मुझे लगता है कि कोई भी चीज गलत है, आप देखिए उसको, उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है। तो ये सस्टेन करना, आप खुद इनको देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसी कोई चीज करते हैं, क्योंकि एक चीज जो है वो कुछ समय के बाद बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो जैसे जैसे लोगों के बीच ये बात खुलती चली जाएगी, जिसको आप भी कल कह रहे थे कि हाँ अब लोग सब जान गए, हो सकता है वो उनको मजा आता हो, कुछ लोग परेशान होते हैं लेकिन उनको फिर भी पता है कि क्या सही है क्या गलत। तो जैसे जैसे, और वो आंदोलन के जरिए ही होता है, या सामाजिक बदलाव के जो काम होते हैं उनके ही जरिए होता है कि समाज में गलत चीज समाज में रुके और सही चीज जो है उसका प्रवाह हो, वो समाज में चले। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और लोग इसको समझते चले जाएंगे, तो इसको इस तरह से रखना मुश्किल हो जाएगा, ये मुझे लगता है। वैसे काम तो बहुत मुश्किल है, ये बहुत पेचीदा बात है, लेकिन लोगों से उम्मीद है कि वो जैसे जैसे इसको समझेंगे ये खत्म होगा, बदलेगा ये माहौल। जी, शुक्रिया। फैजल जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या ये, या क्या कि ये किसान आंदोलन वो एक सूत्र हो सकता है जो किसी बड़े आंदोलन की तरफ आगे बढ़े और जिसकी लहर पूरे भारत में उठे अभी या आने वाले समय में? क्या आपको लगता है ये वो बदलाव सच में हो सकता है? देखिए, कोई बहुत जरूरी है, जो बहुत ज्यादा जो लोग कहते हैं कि सब एक हो जाओ, सब एक जगह बैठ जाओ, सबको कोऑर्डिनेट करो, इसमें कोई बहुत दम नहीं होती है इस बात में। मैं 20 साल से हूं ये देख रहा हूं, काम तो अगर सही तरीके से काम हो तो वो फैला फैला काम भी,
और जो सही माने में आंदोलनकारी होगा वो दूसरे आंदोलनकारी से अपने आप जुड़ जाता है। जैसे कोई मछली होती है, जब जिंदा होती है तो वो समंदर में अपने आप रहती है। तो ये जो आपको बहुत, ये कोई बहुत जरूरी काम नहीं होता है, असल में जरूरी काम होता है लोगों के बीच जाके। एक आदमी अभी मैं देख रहा था, वो कबीर के गानों के जरिए समाज में परिवर्तन का काम कर रहे हैं, कोई आदमी मनरेगा के मजदूरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अगर हम सब ईमानदारी से अपने अपने कामों में समाज के अंदर जो हम कर रहे हैं वो करते रहें, तो ये बहुत ताकतवर होता है। बहुत ज्यादा समन्वय बनाना, पूरे राष्ट्र का आंदोलन, एक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। गांधी जी के जमाने में भी देखिए, एक एक अंडरस्टैंडिंग हम सब में आपस में बहुत जरूरी है कि हम एक मानवीय समाज के लिए लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ जंतर मंतर पे लड़ने वाला और गांव में किसी मजदूर के साथ काम करने वाला, वो दोनों का एजेंडा एक है कि हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें किसी भी आधार पे गैर बराबरी ना हो, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, और कोई दुनिया में जितने बांटने वाली चीजें हैं उनके, हम सब वो न्याय वाला समाज हो, उसमें शांति हो। ये दो तीन हमारे मोटे मोटे मुद्दे हैं। तो ये अगर आंदोलन सही से चले और डेडिकेशन हो और त्याग हो जिसको कहते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर ये बात जो है ये सेकेंडरी चीज होती है कि एक बड़ा समन्वय बन जाए, सब आपस में एक हो, सब सही दिशा में जाएं। तो ये जब आदमी सही काम कर रहा होता है तो वो अपने आप सही दिखा, ये इसमें बहुत ज्यादा समय लगाना ये मुझे व्यर्थ लगता है। असल है वो इलाके में हमारा लोगों के बीच का जो आंदोलन है वो मजबूत होना चाहिए। जी शुक्रिया, शुक्रिया फैजल जी। और इससे मैं अपना इसी प्रश्न को आगे लेके जाना चाहूंगा कि आपने कल वहाँ बॉर्डर पे विजिट भी किया और जायजा भी लिया चीजों का, तो आपको आपका वहाँ पे जो युवक है, इस पूरे आंदोलन आंदोलन में जो किसान युवकों की भूमिका है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? कल बहुत बहुत जल्दी में रहा, लेकिन फिर भी मैं ऑब्जर्व करता रह रहा था। तो जितने भी मुझे वहाँ युवक दिखे, चाहे वो ट्रैफिक को संभाल रहे हों, चाहे वो फोटोग्राफर फोटोग्राफी कर रहे हों, और चाहे वो लोगों को पानी पिला रहे हों, तो वो सब अपने सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं। वो ऐसे नहीं हैं कि कोई किसी फेलोशिप ट्रिप पे भेजे गए लोग हैं या कोई उनका है। वो ये बहुत अच्छी चीज होती है और ये सस्टेनेबल भी होती है और इसका नतीजा भी ज्यादा निकलता है। तो बहुत ज्यादा समय तो कल नहीं था, थोड़ी थोड़ी देर हम लोग दो दो जगह गए, तीन जगह, लेकिन जो भी देखा उसमें ये था कि वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड है और 4-5 महीने हो गए हैं, उतने लंबे समय के बाद किसी चीज में लगे रहना। तो ऐसे लोग ही जो थोड़ा लंबा समय कहीं काम करने में क्या उनका मिजाज होता है, वही लोग होते हैं जिनके जरिए समाज में बदलाव का काम भी होता है। तो वो तो दिखा, बहुत बड़ी तादाद कल नहीं थी क्योंकि वो अपने अपने जगहों में थे, लेकिन जो भी लोग हैं वो वहाँ मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे सब रहना, और वो आपने खुद देखा गर्मी भी है और सबको व्यवस्थित करना। हम लोग 2-3 दिन का कोई प्रोग्राम करते हैं तो कितना परेशानी होती है, और लगातार करते रहना तो अपने आप में एक मुश्किल काम होता है, लेकिन वो लोग ठीक ठाक कर रहे हैं काम। मेरा अगला प्रश्न भारत की मीडिया से रिलेटेड है। तो पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा होगा कि न्यूज़ चैनलों पे जो आंदोलन हो रहे हैं उसकी चर्चा कम हो रही है, उसको कम दिखाया जा रहा है। तो ये एक जानी बूझी साजिश है या फिर असल मायने में आंदोलन का जो इम्पैक्ट है वो कम हो गया है? नहीं, ये तो आप खुद ही जानते हैं कि मीडिया में जिस तरह से कॉरपोरेट हावी है और मीडिया जो इस समय मीडिया का हाल है वो तो आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से सब जानते हैं। जो वो लोग भी कहते हैं कि अरे हमें सही खबर देखनी है तो फला चैनल देखो, जो लोग उस मीडिया के हामी हैं, जो उस मीडिया के पैरोकार हैं, जो इस समय मीडिया है उसको मीडिया तो कहना भी नहीं चाहिए, तो वो लोग भी कहते हैं कि हम वहां पे संपर्क वो वाला देखो तब आपको सही बात पता चलेगी। तो ये बात तो छुपी नहीं है किसी से कि वो मीडिया क्या रोल प्ले कर रही है, लेकिन ये सोशल मीडिया के जरिए और इस तरह पे, अभी सोशल मीडिया पे भी नियंत्रण की जो बात कही जा रही है वो इसीलिए कही जा रही है कि लोग अब उस मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा विश्वास इस वैकल्पिक मीडिया पे करते हैं, या जो भी इसको आप कह ले। तो
तो ये बात तो बिल्कुल आपकी सच है, और ये आंदोलन कमजोर है ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये वो दिखाना ही नहीं चाहते, उनको पता है, उनको ऑर्डर, उनको आप छोटी सी उनकी चीजों में आप खुद थोड़ा सा भी अगर हमें समझ है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो जो दिखाना चाहते हैं उसका तिल का ताड़ बना देते हैं, और जो उनको नहीं दिखाना है वो कितनी बड़ी कोई चीज हो जाए वो उसको अवॉइड करते हैं या इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। जी तो इसकी जगह सोशल मीडिया ने भरी है, इसीलिए अब सोशल मीडिया को भी नियंत्रण की बात हो रही शुक्रिया फैजल जी। और क्योंकि ये प्रश्न मीडिया से था इसलिए मैं सुरमीत मावी जी से भी पूछना चाहूँगा है। एक प्रश्न, और मैं चाहूँगा वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। जिस तरह से धरना साइट पे, जिस जगह धरना और आंदोलन हो रहा था, जिस जगह के चीजें हुई हैं वहां पे, तो उस पर अगर आप अपने जी जी सुरमीत जी मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुरमीत जी सुन पा रहे हैं। तो जैसे फैसल भाई ने कहा कि और जो आज का हमने एक टॉपिक रखा है कि जो हम कहते हैं कि मीडिया का जो जो इनका तरीका रहा है हमेशा से कि बल्कि मैं भाजपा क्यों कहूँ, भी ज्यादातर रूलिंग पार्टी का यही रहता है कि जो डिवाइसिव है, क्योंकि उसमें फायदा होता है कि जब तक लोग आइसोलेट हैं एक दूसरे से, जनता आइसोलेटेड है एक दूसरे से, कटी हुई है, तो बहुत सी चीजें जो जनता के लिए सही नहीं है उनको लागू करवाना और वो आसान रहता है। जैसे आप देखिए तो ये हमारे सामने आया कि किसान आंदोलन के अगर संदर्भ में मैं बात करूं तो ये खालिस्तानी है, नक्सली है, चीन का एजेंडा है, तो ये सब चीजें थी। लेकिन इस किसान आंदोलन ने उन सबको पार कर लिया। देखिए कभी उनका चेहरा सरदार बलबीर सिंह राजेवाल होते हैं, कभी राकेश टिकैत भी हैं, हनन मौला भी हैं, तो एक जगह इकट्ठे होना, और वो हरियाणा पंजाब का डिवाइड भी था जिसको किसान आंदोलन ने पार कर दिया, मतलब उसको ऊपर पास कर दिया। लेकिन अब इन इस पोलराइजेशन में या डिवाइसिव नीतियों में मीडिया, जिसे हम अगर अगर ज्यादातर बहुतात में जो मीडिया है उसकी हम बात करते हैं, तो जैसे फैसल भाई ने भी कहा कि वो तो आप देख ही रहे हैं, अब कमेंट करने के लिए अगर जैसे कि कहिए कि मेरा बयान है तो उसी के लिए बस मुझे कहना होगा कि हाँ वो तो दिख ही रहा है, और वैकल्पिक मीडिया है इसीलिए लोग ज्यादा अगर फेसबुक पे रिलाई कर रहे हैं खबरों से ज्यादा, तो वो और भी समझ लीजिए अपने आप में ही तय हो जाता है। कुछ पत्रकारों ने भी, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उन्होंने आवाज उठाई कि सही नहीं है, और हमें ट्रॉली टाइम के नाम से ये पर एक अखबार अलग से एक न्यूज़लेटर एक मैगजीन निकालना पड़ जाता है, तो पड़ जाता है जैसी बात थी। और एक खास चीज को अगर आप देखें कि जब गाजीपुर मोर्चे पे जिस दिन मोर्चा सबसे ज्यादा दिखाया गया, तो दरअसल उस दिन तो मकसद ये था कि बहुत मीडिया इकट्ठा हुआ था, वही मेन स्ट्रीम जिसे लोगों ने एक गोदी मीडिया के नाम दे दिया है, या वो कंप्रोमाइज मीडिया है, या उसकी बजाय कहा जाए कि वो कॉरपोरेट हाउस है जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट को ही फायदा पहुंचाने के लिए अगर कुछ नीतियां आती हैं तो वो मीडिया भी उन्हीं की बात करेगा, किसान की खबर को दबाएगा या किसी भी आंदोलन की खबर को दबाएगा। तो एक दिन ऐसा आया कि वो जब लगा कि अब तो ये मोर्चा उठ जाएगा, इसको खत्म हो गया है सब, इसलिए वो मीडिया मीडिया पूरा वहां पे जमा हुआ था और लाइव था, वो एक गलती थी उनकी, एक ही बार तो एक बार बड़ी खबर गई है। तो इसमें मीडिया का, मैं पत्रकारिता से अगर आता हूँ, मेरी पढ़ाई पत्रकारिता की है, तो ये चौथा स्तंभ, जैसे पहले भी एक बहुत जगह ये बात उठती रही कि ये जो चौथा स्तंभ है वो चौथा स्तंभ एक तरह से वॉलंटियर कर रहा है एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए। तीन है स्तंभ जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम कहें कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की हम जब बात करते हैं, तो संवैधानिक तरीके से वो जो जिम्मेवारी आती है वो तो तीन ही स्तंभों पे, तीन पिलर्स पे है। चौथा स्तंभ है जो एक तरह से स्वतंत्र तरीके से एक रोल निभाता है किसी भी लोकतंत्र में, जमहूरियत में, लेकिन वो रोल निभाया जा नहीं रहा है, उसकी बजाय रोल ये निभाया जा रहा है कि
आंदोलन को कमजोर दिखाया जाना, या फिर जिसे एक एजेंडा सेटिंग थ्योरी कहा जाता है मास्कॉम की पढ़ाई में, जनसंचार में पढ़ाया जाता है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी की मीडिया जो बड़ी खबर होगी जनता उसकी बात करेगी, तो कुछ और खबरों को बड़ी बनाकर पेश किया जाना, तो शिकवा भी नहीं, शिकवे से ज्यादा तो हमें रोष है इस बात का कि भारत में ज्यादातर चैनल्स ने, ज्यादातर के तकरीबन सभी चैनल्स ने, दो एक चैनल्स को छोड़कर जिन्होंने एक अच्छे पत्रकार बनने की भूमिका निभाई है, उसके सिवाय कुछ वो एक एक पॉजिटिव रोल नहीं था। और वो मीडिया में अगर एक दर्शक उस तरह का भी है तो न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर का जो एक एक देखिए, जैसे अखबार में एक ओपिनियन पेज होता है जिसे हम एडिटोरियल पेज कहते हैं, तो ये माना जाता है सिद्धांत के तौर पर फॉलो किया जाता है कि आप खबरें दिखाइए जैसे खबरें हैं और अपने एडिटोरियल पेज पे अपना ओपिनियन रखिए। हर अखबार का अपना, हर 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 पब्लिशिंग हाउस का, हर न्यूज़ चैनल का अपना एक एडिटोरियल पॉलिसी तो हो सकती है, लेकिन वो खबरों में एडिटोरियल पॉलिसी रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए जो कि खबरों में दिखाया जा रहा है। और एक तो मोटे तौर पर ही आज जो भारत में मीडिया का रोल पहले से भी कुछ बदल गया है, जहाँ हम उसको अगर राजनीतिक पॉलिसी या सरकार की पॉलिसी को हटा भी दे, तो अपने आप में एक पहले एक कैरेक्टर बदल रहा है मीडिया का। वो बहुत खबरों को एंटरटेनमेंट चैनल की तरह से, जिसमें एक एंटरटेनमेंट वैल्यू उस तरीके से पेश किया जाना तो पहले से शुरू हो चुका था, जिसमें मसाला ला के खबर एक तरीका था। तो और उसके बाद अगर बायस्ड हो जाना तो उससे भी अजीब सी बात है। अगर समाज का एक बड़ा वर्ग उस मीडिया की शिकायत कर रहा है सोशल मीडिया पे, और एक वर्ग जो उनको देख रहा है वो जो बटा हुआ है कि एक पार्टी का वोटर ये चैनल देखेगा और उसका जो जो अपोजिशन की पार्टी से संबंध रखता है अलग चैनल देखेगा, तो इससे दोनों ही तरह से चैनल्स या खबरें हमारे सामने लाने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका उनकी विश्वास पात्रता तो सीधे सीधे सवाल के दायरे में आती है। तो ये मैं कहूंगा कि मीडिया जो का रोल ये होता नहीं है, बल्कि अब कॉरपोरेट हाउसेस का जो भारत का मीडिया है, जो कुछ एक ऐसे चैनल्स आए जो दरअसल अंतरराष्ट्रीय चैनल्स का जो इंडिया ऑफिस है यहाँ पे हिंदी में जो चैनल चला रहे हैं, उनमें से भी कुछ एक चैनल ऐसे रहे हैं जिनका रोल कुछ सही नहीं देखा, उनपे दबाव डाला गया है, वो दबाव में रिपोर्टिंग हुई है। तो ये बिके हुए होना या किसी कॉरपोरेट जगत के लिए रिपोर्टिंग करना दूसरा पॉइंट है, तीसरा दबाव में है। तो तीनों ही तरह से जो हुआ है वो, या जो इस वक्त चल रहा है वो सही तो नहीं है, हेल्दी नहीं है किसी भी एक डेमोक्रेसी के लिए। तो और उसके लिए लेकिन किया क्या जाना ही चाहिए, साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, खास बात ये है कि छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट माइक्रो ब्लॉगर्स ने अपने व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत सपोर्ट किया है, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग है, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्रामर्स ने अच्छा रोल निभाया, वो अपने आप में आए हैं। और जैसे कुछ जिसे मैं कहूंगा मीडिया विजिल, न्यूज लॉन्ड्री जैसे छोटे छोटे चैनल्स, मैंने पहले भी पर जिक्र भी किया था कि से हमें अगर 10 बड़े चैनल्स नहीं खबर दिखा रहे थे तो 100 छोटे छोटे चैनल्स ने मिलजुल के एक आंदोलन का बल बढ़ाने के लिए या उसका मैग्नीट्यूड जो उसका प्रभाव दिखा सकने के लिए भरसक कोशिश की मिलकर, और उसका भी कुछ तो असर आया है। तो स्वतंत्रता और ईमानदारी खत्म नहीं हुई ऐसी हमारी आशा है, लेकिन बड़े जिनकी बड़ी रीच है, बड़ी पहुंच है, ज्यादा आवाम जिसे देखता है, जिसे मैं कहूंगा कि जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, जो अंग्रेजी नहीं जानता, जो कम पढ़ा हुआ है, वो जिन चैनल्स जो और जो लोग इंटरनेट पे ढूंढ के नहीं देखता कि कौन अनबायस्ड है कौन बायस्ड है, जिसे सीधे सीधे जो चैनल चल रहा है उसी को देखना, ये जो आदतन जो देखे जा रहे चैनल्स को देखने का वाला जो दर्शक है, उसका रोल बहुत ही नकारात्मक रहा है। और ये खाली सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है, ये तो सबके सामने साफ साफ। तो बस ये मैं कहना चाहता था, और बहुत कुछ मैं, हमारे फैसल भाई हैं आज, संदीप पांडे जी हैं, आप सब लोग हैं, तो इस चर्चा में मैं बाकी सब लोगों के विचार आप इससे आगे सुनने में ज्यादा दिलचस्पी रहेगी मेरी,
थैंक यू, शुक्रिया जी। जी धन्यवाद सुरमीत जी, धन्यवाद बहुत बहुत। फैसल फैसल जी, आपसे मेरा दूसरा प्रश्न है और ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है हाल ही में, क्योंकि हमारे कोविड से पहले भी हमारे दिल्ली में काफी बड़ा आंदोलन चल रहा था, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि कई जगहों पर, और अब ये किसान आंदोलन है। तो जो पहले के आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ वो एंटी सीए मूवमेंट था, जिसको कुछ एक एरिया में दिल्ली में जो मुस्लिम औरतें हैं उसको आगे ली जा रही थी, उसको लीड कर रही थी उस आंदोलन को। और आपने कल किसान आंदोलन का भी थोड़ा बहुत जायजा लिया टीकरी बॉर्डर पर, तो आपको इन दोनों आंदोलनों में क्या समन्वय दिखा है या क्या भिन्नता दिखी है, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, इसमें तो मैं अभी कुछ चीजों में इन्वॉल्व था, तो किसान आंदोलन में मैंने मतलब मैं पहली बार ही कल गया था, तो दोनों आंदोलन मतलब उसमें थोड़ा सा ऐसा तो आप कह सकते हैं कि इसमें किसान बहुत ज्यादा हैं, उसमें मुसलमानों को लेके था तो ये था, लेकिन दोनों की एक जो खसूसियत थी, दोनों में एक जो सिमिलैरिटी थी वो ये कि दोनों खुद रहे और बहुत सस्टेन कर रहे थे। उस आंदोलन में भी तरह तरह से उसमें उसको हिंदू मुसलमान गैंग के उसमें और बहुत सी चीज़ों में उनको बांटा जा रहा था, लेकिन इन दोनों आंदोलनों ने, और आपने और जैसे हमारे अभी साथी ने कहा कि मीडिया का रोल आपको पता है, हुकूमत का रोल आपको पता है, बाकी सारे रूल, बाकी सारे जो फैक्टर हैं उन सब के बावजूद ये दोनों, वो आंदोलन भी कोविड के की वजह से बंद हुआ, अपने आप बंद नहीं हुआ, तो ये एक बड़ी खूबी थी कि इस दौर में मतलब आप जब देखिए कि अभी आप सोशल या जिसको एक्टिविज्म या कुछ भी कह लें, ये भी एक तरह से कॉमर्शियलाइज हो रहा है। अभी ऐसे लोग नहीं है जो अपना रोटी बांध के और आंदोलन करने जा रहे हैं जैसे पहले लोग आते थे, अभी तो बहुत ज्यादा CSR और इस सब में है और वॉलेंटियर्स भी पेड होते हैं और क्या क्या होता है। उस माहौल में दोनों आंदोलनों ने एक बहुत अच्छा मोबिलाइजेशन किया, किसान आंदोलन में तो उससे बहुत ज्यादा है, और वो चलते रहे, तो ये एक बड़ी खूबी है दोनों की कि मोबिलाइजेशन मीडिया के असहयोग के बावजूद भी, मीडिया के सपोर्ट के बावजूद भी, बाकी सपोर्ट्स के बावजूद भी, लोगों से की तरफ से उनमें उनमें भागीदारी भी हुई और वो चलते रहे, और ये तो चल रहा है अभी, लगातार चलता है, और मुझे हम अपनी हमारी आशा है, हमारी उम्मीद है कि ये किसानों की बात मानी जाए, कानून रद्द हो और उसके बाद ये लोग अपने घरों को वापस जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि दोनों आंदोलन चल रहे हैं, वो भी लंबे समय तक चला था, ये भी अभी फिलहाल चल रहा है। ठीक है, इसके बाद फैसल जी कुछ प्रश्न लोगों ने कमेंट्स पर भी लिखे हुए हैं, बट मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पे अपना स्पीकर म्यूट करके वो प्रश्न पूछे। तो सबसे पहले मैं गुंजन जी को बुलाना चाहूंगा। गुंजन जी, क्या आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं फैजल भाई से? हेलो, आप ही पूछ। ठीक है, उनका प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, शायद कुछ दिक्कत आ रही होगी हम लोग। ठीक है, उनका प्रश्न है कि मोहब्बत वाली और ईमान वाली बात हम जो कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन जनरेशन पे जो इनइक्विटी और जस्टिस हो रही है उससे तो कोई असर पड़ा नहीं है, है ना, तो वो कैसे हटेगा, जेंडर कास्ट ये सारी चीजें कैसे हटेंगी? देखिए, बीजेपी का एजेंडा हमेशा नफरत फेल सेफ का है, वो हारेगी कैसे? वो आप पेड़ जो है वो बढ़ता है लेकिन दिखता नहीं है, पौधा रोजाना बढ़ता है, हमारा जो बच्चा होता है वो रोज बढ़ता है और हमें दिखता नहीं है। तो मेरा मानना ये है, गुंजन जी से मैं, गुंजन जी क्या मानते हैं उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना ये है कि मोहब्बत और देखिए हमारी ताकत भी ये है, हमारी ताकत पूरे दिल्ली को घेर लेना नहीं है, हमारी ताकत है कि हम हमसे नफरत करने वालों से मोहब्बत करते हैं, ये हमारी ताकत है। अगर आप मुझसे पूछें कि आपकी ताकत क्या है, हमारी ताकत ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा दिल्ली घेर लेंगे, क्या करेंगे घेर के, हम तो घेरने वाले लोग नहीं है, हम तो घिर जाने वाले लोग हैं। तो हमारी ताकत क्या है,
हमारी ताकत यह है कि जो हमसे नफरत करते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं, जो हमारे प्रति निरंकुश हैं हम उनके प्रति उदार हैं। ये हमारी ताकत है। वैसे अंधेरे की, अंधेरे को अंधेरा करके नहीं, आपके रात है अंधेरा है तो सारे बल्ब फोड़ दो तो और अंधेरा और रोशनी नहीं नहीं होगी, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। आप देखिए हम हैं, हम जो बात कह रहे हैं आप मोहब्बत, यह है सादे पानी की तरह, और ये सब बाकी बातें हैं ये कोका कोला की तरह, पेप्सी कोला की तरह है। तो सादे पानी से ही जीवन होगा, तो ये जो हमारी मोहब्बत की और सब, हाँ ये होता है, देखिए हालात ऐसे हैं कि अभी आपको लगता है कि ये क्या होगा, ये तो बिल्कुल रास्ता बंद है, अब दुनिया में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। और हमारी जो बातें हैं ये साइंटिफिक बातें हैं, कोई हम इमोशनल बातें नहीं कर रहे, यही अंतर होता है कि हम इनको इमोशनल बातें समझते हैं, ये साइंट वैज्ञानिक बातें हैं जो हम कर रहे हैं। तो हमारी ताकत यह है कि हम अपनी नफरत करने वालों से मोहब्बत करते हैं, हमारी ताकत यह है कि जो हमारे प्रति निरंकुश हैं हम उनके प्रति उदार हैं, हमारी ताकत यह है कि जो हमारे खैर बदख्वाह हैं हम उनके खैर ख्वाह हैं, हम वेल विशर हैं उनके। तो ये हम इसको मोहब्बत करना, पीस, ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आप देखिएगा और देखते रहिए, यही हमारी ताकत बनेगी और यही रास्तों से ये मजबूर हो जाएंगे अपनी नफरत की और अपनी लोगों के प्रति घृणा की के कामों को खत्म करने के, मेरा ऐसा मानना है। अब बाकी अगर देखिए, ये हम डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, हम दुनिया को शॉपिंग मॉल नहीं बनाना चाहते कि एक सी दुनिया हो जाए, नहीं। अब अगर उनको लगता है कुछ और तो वो उस तरीके से काम कर रहे हैं, और ये डाइवर्सिटी भी हमारी ताकत है, हम सारे एक से नहीं करते हैं। तो रंगीन दुनिया, जैसे हम लोग कहते हैं ना रंग बिरंगी होली है, होली एक रंग से नहीं होती है। तो ये भी हमारी ताकत है कि गुंजन जी कुछ और तरीके से मेहनत करते हैं, हम कुछ और तरीके से करते हैं। तो डाइवर्सिटी से, और यही जितनी ताकतवर हो जाएगी, जितना हम हमारे ये मूल्य अंदर में भी ये रहेंगे, हमारी कोई छुपी हुई बात नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, हम पूरी दुनिया में इंसानियत चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं। तो ये सब चीजें जो हमें को हमारी कमजोरियां लगती हैं, आप देखिए रामचरितमानस में भी कहा गया नहीं, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। वो कह रहा है कैसे जीतोगे, ये इतना बड़ा आदमी है और तुम्हारे पास तो पांव में चप्पल भी नहीं है, कैसे जीतो, वीर बलवान है। इस वीर बलवान से आप फिर वो बताते हैं कि लड़ाई के जो जेवर होते हैं, जो लड़ाई की चीजें होती हैं, वो क्या होती है, वो मोहब्बत होती है, वो त्याग होती है, वो अपना समर्पण होती है, वो डेडिकेशन होती है। तो वो खूबियां अगर हमारे अंदर होंगी तो हम एक ऐसे समाज जिसकी हम सब सोचते हैं उसको बनाने में सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैजल जी उस लाजवाब उत्तर के लिए। और इसके बाद और भी दो प्रश्न हैं जो लोगों ने चैट पे पोस्ट किए हैं, बट मैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो सामने आए और अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न खुद पूछें। तो रुखसाना जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकती हैं? हेलो रुखसाना जी, आप मुझे सुन सकती हैं? ठीक है, मैं उनका प्रश्न पूछ देता हूँ। तो उनका प्रश्न ये है कि आपकी जो भी सोच है फैजल जी, या आपका जो भी अप्रोच है, उसको किस तरह से जल्द लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि जो डर और जो ये हेट का वातावरण जो फैल रहा है एक दूसरे को, एक दूसरे से जो बीजेपी नफरत फैला रही है, इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन जो क्रिएट हो गई, तो इसको संभालने के लिए आप क्या करेंगे? तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपका तरीका बहुत अच्छा है, बट उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे ताकि ये इमरजेंसी सिचुएशन काबू में आए? देखिए, ये तो हमेशा से बात रही है कि हम लोग के जो काम है उसका उसमें थोड़ा कोई अच्छा, देखिए कोई हम एग्रेसिवनेस नहीं चाहते हैं। तो हम सबसे अभी से अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या करूं, मैंने कहा आप मोहब्बत करना शुरू कर दो। तो एक तो ये है कि कोई ये कोई सच वैसे आसान काम तो नहीं है, कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मुश्किल काम भी नहीं है। बहुत सिंपल सा है कि हम हमारे जो अब जो मैं पहले वाला जवाब दे रहा था उसी जवाब को मैं फिर से दोहराऊंगा कि
अगर हम जितने, जैसे आप कोई बीमार, कोई हार्ट के पेशेंट से क्या कहते हैं कि आप नेचुरल जीना शुरू कर दो, आपकी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो हम जो जिस तरह से एक इंसानियत के जो मोटे मोटे मूल्य हैं, अगर उनको ही जीना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है, और वो हम क्यों नहीं जी पा रहे अभी, ये जो मैं बातें करता हूँ, हमारी जो हमारा सोशल वर्क या सोशल एक्टिविज्म जिसे कहें, उसमें हम लोग ने उस सिलेबस से इसको निकाल दिया। वहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग था, वहाँ ये था, वहाँ डेवलपमेंट, वहाँ ये बातें जो इंसानियत मोहब्बत की बातें हैं, जो समाज के लिए बेहद ज़रूरी हैं, ये समाज में नहीं घरों के लिए भी ज़रूरी है। जो बातें मैं कह रहा हूँ, हम समाज या तो बहुत हमारे घरों में भी आज ये माहौल पैदा हो गया है। तो उस सब के लिए हमें इंसानियत के मूल्यों को, और अब इनकी इनका सवाल यह है कि ये बहुत तेजी से कैसे फैलेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें तो हम सब अगर जुट जाएं, और इस हम लोग पहले ही से कहते हैं कि देखिए सद्भावना, गांधी जी ने कहा था कि सांप्रदायिकता के रहते हुए समाजवाद भी नहीं आ सकता है, यानी जो हम चाहें कि जो बाकी मूल्य हैं समाज अच्छा आर्थिक रूप से या और किसी जो पैमाने होते हैं उन पे भी अगर आपको ठीक करना है तो मानवीयता, इंसानियत, ये सब बातों को प्रमोट करना पड़ेगा। तो यही रास्ता है इसको संभालने का। कि विनोबा जी से किसी ने पूछा था, ये जो आपका भूदान है ये तेज कैसे होगा, तो उन्होंने कहा आप लग जाओ और लोग लगाएंगे तो जब लोग ही करेंगे। दुनिया में अभी कोई ऐसा बटन नहीं है कि उसके दबाने से इक्वालिटी आ जाए, उसके दबाने से सब मोहब्बत करने लगे। तो हम लोग को कोशिश करनी पड़ेगी, और फिर उसमें जो ये कह रही है ये बात बहुत जरूरी है कि इसको जितना ज्यादा लोगों के पास ले जाया जाए। तो आजकल ये सब हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं, और लेकिन इस कोशिश को हम सबको बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी शुक्रिया। रुखसाना जी से एक और प्रश्न है, ये मिलता जुलता तो नहीं है बट ये एनजीओ के बारे में है कि एनजीओ कई बार जो गवर्नमेंट एजेंडा होता है उसको फॉलो करते हैं या फिर जो सिविल रेजिस्टेंस होता है उसको भी ब्लंटली एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए मेरा एनजीओ या गैर एनजीओ पे मैं नहीं कहूंगा, मैं ये मानता हूँ कि आप पैसे दे के दुनिया नहीं बदलवा सकते, वो तो कुछ दीवाने ही लोग बदलते हैं। हम लोग गाना भी गाते हैं ना, हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे, तो ये कोई फेलोशिप से कराने का काम नहीं है। ये ठीक है अगर एक आदमी है वो, लेकिन दुनिया उन्हीं ने बदली है जिन्होंने एक जो एक दीवानगी की हद तक किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एनजीओ या गैर एनजीओ नहीं है, बहुत से एनजीओ भी ऐसे, एनजीओ में भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जबरदस्त उनके अंदर जज्बा है, लेकिन सिर्फ एनजीओ में नौकरी करता है वो समाज के बदलने के प्रति, उसमें सारी चीजें होंगी ये मैं नहीं मानता। वो तो बेचारा नौकरी कर रहा है, जैसे कोई बैंक में कर रहा है, जैसे कोई किसी और इदारे में कर रहा है। तो एनजीओ में झोला लटका के घूमने से नहीं समाज बस, समाज तो कुछ एक जज्बा होता है आपको, आपके अंदर जो जज्बा आपको आपसे सब कुछ करवाता है। देखिए गांधी जी ने तो अपनी जान भी दे दी है 30 जनवरी में, मैं वहां जरूर जाता, वो जो बिरला हाउस है, ऐसी जगहों पे हमें जाना चाहिए। बिरला हाउस क्या मैसेज देता है कि अपने मकसद के लिए, आप देखिए वो कमरा है जिसमें गांधी जी लास्ट दिन बैठे हुए थे, और वहां से वो रास्ते में अभी पंजे बना दिए हैं, पैर बना दिए हैं, गांधी जी वहां गए थे, तो आदमी को बिल्कुल जैसे कोई कुर्बान होने जाता है। तो वो 30 जनवरी जो बिरला हाउस है वो हमें ये पैगाम देता है कि देखो अपने मकसद के लिए इस तरह कुर्बान हो जाया जाता है। तो वही लोग समाज को बदल पाते हैं जिनमें ये जज्बे पैदा हो जाते हैं। तो वो एनजीओ में काम करता है, हाँ ये जिन्होंने जो इन्होंने कहा एनजीओ के बारे में वो बिल्कुल सच है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं उससे डिसएग्री करूं, लेकिन उनसे हमें पहले से भी बहुत उम्मीद नहीं है। वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे हाँ थोड़ा बहुत अच्छाई का काम कर रहे हैं, लेकिन भारी परिवर्तन हो जाएगा और समाज एक दूसरी दिशा से दूसरी सही दिशा में मुड़ जाएगा, ये उम्मीद करना एनजीओ से तो ये तो नादानी ही होगी, जो हम किसी को नहीं करनी चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत हेल्प का काम, वेलफेयर का काम जो एनजीओ कर रहे हैं उसकी हमें तारीफ भी करना चाहिए कि वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं, करना बेकार है। धन्यवाद काजल जी। इसके बाद मेरा प्रश्न ये है कि जो मथुरा में हुआ उससे रिलेटेड है मेरा प्रश्न, और वो ये है कि कुछ लोग अभी भी ये सोचते हैं कि अगर आपने वहां पर नमाज नहीं पढ़ी होती तो हो सकता है हिंदू सेंटिमेंट कुछ प्रोवोक नहीं होते।
नहीं कोई तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? और इसके साथ ही मैं अपना एक और प्रश्न इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा, और लोगों को अपने इस एक्सपीरियंस से धर्म के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो वो जो आप कह रहे हैं वो मैटर तो अभी कोर्ट में है, तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ना बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कोई वो ऐसी बात नहीं है, बल्कि इससे तो धर्म का धर्म की बात ऊंची होती है कि आपने एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति उदार है, इससे तो एक धर्म ऊंचा होता है। वो धर्म कोई छोटा दिल करने से धर्म की तारीफ नहीं होती है। तो इससे किसी को अगर लगता होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि एक धर्म के की जगह अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आ जाए तो उससे वो कुछ उसमें परेशानी हो जाती है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। और ये जो पूरा समय मैं रहा, वहाँ मैं रहा, उसमें जो सद्भावना और जो सहयोग लोगों का मेरे साथ रहा है वो तो मैं भूल नहीं सकता हूँ। मैं जिसको सुनाता हूँ कहता हूँ आप इस पे, वो लोग कहते हैं कि आप इस पे स्टोरी लिखिए। हमारा आपस में ऐसा था कि एक दूसरे के बर्तन धोते थे, और उनको मतलब मेरे खाने की चिंता मुझे नहीं होती थी, मेरे मैं कहाँ सोऊंगा, मेरे बिस्तरे को 2-3 दिन में जो जमीन का बिस्तर साफ करना होता है, उसको झाड़ना होता है, वो भी मैं नहीं करता था। तो जो सद्भावना मैंने देखी है वो तो सद्भावना मैंने किसी सद्भावना कैंप में भी नहीं देखी। मेरा खाना, मेरे बर्तन धोना, मुझे खाने के लिए बुलाना, मुझे मेरे खाने को लेके आना, मेरे कपड़ों की चिंता करना, मैं नहाऊंगा तो मेरे लिए साबुन का इंतजाम करना, ये तो सद्भावना कैंप में भी नहीं होता है। तो ये बात और मैं उसके बाद मथुरा ही के जेल में था, कहीं कोई बाहर तो नहीं चला गया था। तो वो प्यार और मोहब्बत और वो सद्भावना और उन लोगों के बारे में, वो इतने परेशान हाल लोग मेरे साथ ये कर रहे थे, वो बेचारे जो वहाँ होते हैं वो कोई बहुत ऐसे लोग नहीं होते हैं, उनके पास हर चीज़ का अभाव होता है। तो उन अभावों में भी जो वो मानवीयता और जो इंसानियत मेरे साथ उन्होंने दिखाई है वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और धर्म को हम, आपने जो लास्ट में शायद पूछा था कि धर्म का, धर्म जितना ज्यादा मानव केंद्रित होता रहेगा, इंसानियत के मसाइल को हल करता रहेगा, उतना ही ज्यादा धर्म ताजा बना रहेगा, वरना धर्म समाज के ऊपर एक बोझ बन जाएगा अगर वो मानव इंसानियत का एजेंडा उसका नहीं होगा। लोगों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई तुम्हारा पड़ोस में भूखा हो तो तुम रोटी मत खाओ। आपने कहा कि अगर तुम किसी बेघर को घर दोगे तो तुमसे अल्लाह राजी हो जाएगा। तो धर्म ने वही चीजें जो समाज, जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की, आपने फरमाया कि तुम यतीम बच्चों के सामने अपने बच्चों को प्यार, देखिए धर्म ये चीज पैदा करना चाहता है। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं उनके सामने अपने बच्चों को प्यार न किया करो, उनको उनके माँ बाप याद आ जाए। धर्म कोई जीत हार, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर करने को नहीं कह रहा है। धर्म तो ऐसी करुणा आपके दिल में भर रहा है कि जिनके, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है उनके सामने अपने बच्चों को प्यार न किया करो, वरना उनको उनके माँ बाप याद आएंगे। इतना ध्यान रखना किसी व्यक्ति का, तो ये बात अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए, धर्म है। आप देखिए इसमें रामचरित मानस में भी है कि जब श्री राम अयोध्या से वापस लौटे, वापस आए अयोध्या, तो केकई बहुत गिल्टी फील कर रही थी। तो वो पहले प्रथम भेंट भाई, सबसे पहले केकई के पास जाके उन्होंने कहा कि ये सब ईश्वर की तरफ से हुआ है, आपने, उनको लग रहा था कि इसकी मैं जिम्मेदार हूं। और तो उनको एक अजीब सी वो शर्म महसूस हो रही थी। तो सबसे पहले श्री राम ने उनको गले लगाया, उनके पांव छुए और उनसे कहा कि ये तो सब होना ही था, आपके कारण नहीं हुआ है। तो हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो, कोई जहनी तकलीफ हो, कोई गिल्टी महसूस करे, ये भी धर्म नहीं चाहता है। धर्म तो इंसान को इंसानियत की बुलंदी पे देखना चाहता है। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है, वो दुआ करते थे, अल्लाह दुनिया की सारी तकलीफें मुझे दे दे, जो तू तकलीफें बंदों को देना चाहता है वो मुझे दे दे, और बाकी लोगों को खुशियां दे दे। इस्लाम धर्म में एक जगह है, दुआएं हैं, भोजन करने का मंत्र है, सोने के पहले दुआ है। तो उसमें एक दुआ है, अगर किसी को हंसता हुआ देखो, जैसे मैंने आपको देखा आप हंस रहे हो, तो मैं अपने मन में दुआ करूं, अल्लाहुम्मा, ये दुआ है
मैं उर्दू में बता रहा हूं, ए अल्लाह प्रकाश को हंसता हुआ रखो। तो धर्म तो ये चाहता है कि ये व्यक्ति के जीवन में दुआएं है ना, जैसे सोने की, खाने की, बाजार जाने की, ऐसे एक दुआ है किसी को हंसता हुआ देखने की। तो आपको मैंने हंसता हुआ देखा, अल्लाहुम्मा अहसन तो खल्क, अल्लाह इसको हंसता हुआ रख, यानी ये खुश रहे, प्रसन्न रहे, ये धर्म है। आपने धर्म की कभी ये बात किस कहीं जगह सुनी है? जैसे डॉक्टर, अस्पताल क्या का काम क्या है, और आज अस्पताल में क्या हो रहा है, इसका NRI कराओ, इसका MRI कराओ, इससे पैसे लूटो। अस्पताल का क्या काम है ये सब जानते हैं, लेकिन आज अस्पताल में क्या हो रहा है? स्कूल का क्या काम है, लेकिन आज बड़े बड़े स्कूलों में क्या, बस पैसे की बात हो रही है। तो धर्म का जो काम है वो तो हमें पता भी नहीं है, वो तो है निर्मल मंजन सो मोहे पावा मोहे कपट छल। धर्म का काम तो यही है। आप देखिए हमारे यहां भगवान बंसी, श्री कृष्ण के हाथ में बंसी है, कोई तीर तलवार नहीं है। तो हमारे यहाँ तो ये धर्म की सही बात, धर्म का क्या काम है ये बताने का काम ही नहीं हो रहा है। जैसे हॉस्पिटल का काम क्या है और हो क्या रहा है, वो बाहर वहां रहते हैं, उसके पैसे किसी तरह उससे लूट लो, उसको दवाएं इतनी बता दो, फिर दवाओं में कमीशन ले लो, फिर एक्सरे में कमीशन ले लो, फिर MRI में ले लो, यानी उसको ऐसा कर दो कि उसका मकान भी बिक जाए। जबकि अस्पताल का मकसद क्या था कि जिंदगी मिल जाए, इसको जिंदगी इसकी बच जाए। तो यही धर्म का काम है कि कैसे जो है समाज परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। आप देखिए सनातन धर्म के कितने ऊंचे ऊंचे मूल हैं, लेकिन रामचरितमानस में है मिले न रघुपति बिन अनुरागा। ये मैंने वही जेल में याद किया था ये दोहा, मिले न रघुपति बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान बिरागा, यानी ज्ञान योग तपस्या वैराग्य ये सब अधूरे हैं। ऐसे तुलसीदास कहते हैं, क्या है जोग तप ज्ञान बिरागा, क्या चीज है ये, मिले न रघुपति बिन अनुरागा। तो प्यार मोहब्बत जगाना यही धर्म का मकसद है, और आज धर्म को इसी रास्ते पे आ जाना चाहिए। बिल्डिंगें बनाना, मस्जिदें बनाना और शोर मचाना और नारे लगाने से धर्म मजबूत नहीं होगा। धर्म मजबूत होगा जब वो मोहब्बत के एजेंडे को, इंसानियत को अपना मुख्य एजेंडा, उस पे ही वो तो है धर्म का, लेकिन उस पे आ जाएगा। धन्यवाद कैसल जी। अब मैं ये फोरम ओपन करना चाहूंगा, अगर किसी के कोई प्रश्न है तो मैं चैट में देख सकता हूँ सलीम जी का प्रश्न है। सलीम जी आप अपने आप को अनम्यूट करके और कैमरे पर आके कैसल भाई से प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू समीर जी, बहुत खुशी है बहुत दिनों के बाद फैजल भाई को सुनने के लिए मौका मिला। और मेरा सवाल ये है, हिंदुस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोगों के अंदर जाहिलत अभी भी नहीं गई है, लेकिन गांव के रहने वाले इनको हम लोग देखते हैं तो स्टिल देर इज अ ह्यूमैनिटी एग्जिस्टिंग देयर, but the kind of the educated and literate mob we had seen in India, it is a lot of communal influence is there. So aap is pe kya aap Faisal bhai bolna chahte hain? Aap abhi dekh lijiye university mein, dekh lijiye kis tarike se halaat ho rahe hain. Ab wahi mahol aap gaon mein jayenge to na topi dekhega na uska ye dekh the maroon color ka kapda dekhega, usko bulayega, betega, pani dega, sab karega. Lekin wahi hum log city, yani bade Delhi ho, Bombay ho, Bangalore, koi bhi bade city mein jate hain to, aur educated mahol mein jate hain to, samajh lijiye university mein jate hain, wo puchta tu kaun sa jat ka hai, fir baad mein again sab sector bhi dekhta ho, to Hindu ke andar tu kaun lingayat hai, brahmin hai, is tarike se bahut zyada hai. Ye kyun zyada ho raha hai in logon ke andar, lekin gaon ke andar, dehat ke andar us tarike se cheez nahi dikhte hum log. इस पे क्या आप बोलना चाहेंगे फैजल में? आपने जो बात कही है वो सही है, लेकिन मुझे लगता है मैं अभी मेरे एकदम दिमाग में ये बात आई, पहले से कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो ये कि वहाँ एक फेस टू फेस एक दूसरे का कनेक्शन होता है, बहुत ज्यादा लोगों से लोग करीब होते हैं। और शहर में आप देखिए इस तरह का, शहर में भी बहुत अच्छे लोग हैं। अगर मैं आप मुझसे पूछेंगे हर धर्म में, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनको आप आइडियल इंसान कह सकते हैं। तो एक तो यह है कि
गांव में जल्दी विजिबल मुझे ऐसा लगता है। ऐसा कोई क्वेश्चन सवाल जवाब मैं दो का दो चार नहीं कह सकता हूं कि एक तो विजिबिलिटी कम ज्यादा होती है गांव में और दूसरे ये है कम होती है शहर में, ये एक दूसरे से संपर्क में लोग रहते हैं तो वो संपर्क बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं ना डायलॉग और एक दूसरे से इंटरेक्शन, तो वो गांव में ज्यादा होता है, शहर में एक ये गैप हो जाता है इसमें, ये कारण होता होगा। बाकी और मैं देखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर में भी होते हैं गांव में भी होते हैं, लेकिन ये ज्यादा होता है, एक दूसरे से हम परिचित ज्यादा होते हैं और शहर में ये चीज का अभाव होता है। तो एक दूसरे ये इसका एक ये बात समझ में आती है कि शहर में भी हम लोग को इस तरह के फोरम, इस तरह के गैदरिंग, इस तरह के ग्रुप्स बनाने चाहिए जिससे हम एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं। और आप देखिए एक दूसरे से जैसे जैसे जुड़ाव होगा तो वो उसमें ये चीजें जो आप कह रहे हैं वो अपने आप कम हो जाती हैं, वही गाँव में होता है ऐसा मुझे लगता है। बाकी और भी कारण है शहर के और गांव में जो ये आपने बताया इसके इस चीज के। फजल भाई और एक देख लीजिए आप, ये लोग सब पढ़े लिखे हैं, इनके पास सब जानकारी है, सब इंफॉर्मेशन है, रहते हुए भी लेकिन संपर्क वो डायलॉग होना दैट्स ओके, बट व्हेन यू आर मैच्योर्ड, व्हेन द पर्सन हैव द कंप्लीट नॉलेज, इट डजंट मेक ए ही डोंट नीड एनी डायलॉग बिकॉज ही नो दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, आई विल गिव अनदर वन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जांपल, द यूएस के अंदर इलेक्शन हुआ, यू नो द ट्रंप सपोर्टर, no, the kind of you look into the Trump supporter profile, they're all like a cowboys, you know, but the mob, the person, you know, who are against the Trump was most of the educated people. But look at the same contours here, most of the educated people are supporting the junior, the Trump. But this is how I can make it the kind of these are educated people. My perception is they don't need any kind of a dialogue because they are well educated, well aware. They know that what is the right and wrong. When the people doesn't have education, that time you need the dialogue and that time you need the convincing. That time you know the truth. आप जिसको education that is my perception, I don't know how you put it that way. हमारा जो प्रोग्राम होस्ट कर क्या कर रहे हैं हमारे प्रकर्ष, इनसे आप पूछिए, हम जिसको आप एजुकेशन कर रहे हैं वो जैसे आज खाना लोग खा रहे हैं वो उसको भोजन कह रहे हैं और वो भोजन नहीं है, वो जो खा रहे हैं लोग जिससे, और देखिए पढ़ा लिखा आदमी उसको भी स्ट्रोक होता है, उसको भी कैंसर हो जाता है। तो ये सांप्रदायिकता, नफरत करना किसी से, ये एक बीमारी है, डिजीज है, ये कोई चीज नहीं है। तो ये किसी को भी हो सकती है। पढ़े लिखों में जैसे आज पढ़े लिखे ज्यादा, आप देखिए जैसे ये बताएंगे प्रकर्ष के कैसे आज हम जो खा रहे हैं वो भोजन नहीं है, उसको हम भोजन कह रहे हैं लेकिन वो तो हमें जहर मिल रहा है। ऐसे जिसको हम एजुकेशन कह रहे हैं, आप जिसको एजुकेटेड कह रहे हैं वो देखिए, जहालत का मतलब ये लिखना पढ़ना आना या इंजीनियर हो जाना या डॉक्टर हो जाना नहीं है। वो शिक्षा जिसको कहते हैं वो तो आज हमारे तालीमी इदारों में उसका तो नामो निशान भी नहीं है। तो पढ़े लिखे लोगों से आपकी बात बिल्कुल सही है कि पढ़े लिखे लोगों में तो ये होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो पढ़े लिखे को जिसको आप समझ रहे हैं वो पढ़ा लिखा क्या है वो हम सब जानते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में। तो ये बात आपकी सही है, लेकिन वो एक बीमारी है नफरत करना, तो वो तो किसी को भी हो सकती है, उसमें पढ़ा लिखा या बेपढ़ा होना कोई वो उसकी शर्त नहीं है। तो ये मैंने भी देखा है कि पढ़े लिखे लोग, लेकिन ऐसे भी नहीं है पढ़े लिखे, हमारे डॉक्टर संदीप पांडे जी भी देखिए 3-4 IIT में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जी की बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं, लेकिन ये एक नफरत करना या सांप्रदायिक होना ये एक जहनी वो है, वो किसी को भी हो सकती है। तो और तालीम जो ये तालीम है आप समझें कि ये मानव इंसानी तालीम है, इंसान बना रही है, ये तो आप MBA में देखिए क्या पढ़ाया जाता है, उसके बाद वो जो कर रहा है वो कम कर रहा है उसको तो और ज्यादा कर, वहां तो ये पढ़ाया जाता है कर लो दुनिया मुट्ठी में, एग्रेसिव हो जाओ, बाजार में अपना सामान बेचो, तो वो कोई वहां इंसानियत थोड़ी पढ़ाई जाती है, कबीर पढ़ रहे थे या वो, तो इस पढ़ाई के बाद हम उसको ये कहें कि वो वहां से कबीर और बुल्ले शाह की तरह निकले, ये तो हमारी खाम ख्याली है, क्योंकि पढ़ाई में कहीं इंसानियत का कोई की जगह नहीं है, बल्कि इंसानियत मोहब्बत की कोई टीचर बातें करने लगे उसको बचते हैं, बच्चे भी बचते हैं और प्रशासन भी बचता है, अरे ये कहां से यहां बीच में इसने ये सब छेड़ दिया।
ना तो बस डेवलपमेंट और ये, और देखो जितना आप ये इंसान को करोगे इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। आज जो जो हम अपने बच्चों को जिस तरह की तरबियत दे रहे हैं, आप छोड़ दो दूसरे को, वो बच्चे हमें छोड़ के चले जाते हैं। मेरे बच्चे मुझे छोड़ के यूएस चले, यहाँ ग्रेटर कैलाश में बड़े बड़े, आप हिंदू मुसलमान को छोड़ दीजिए, दो मिनट को भूल जाइए, बच्चे अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज के जा रहे हैं। वो क्या हिंदू है? वो माँ बाप है जिसने इन्हें पाला है, जो इनको सुबह 6 बजे लेके स्कूल की बस पे खड़ा रहता था। ये वो माँ है जो इसके लिए अपनी नींद छोड़ के ब्रेकफास्ट बनाती थी, उसको ओल्ड एज होम में दे के आ रहे हैं, गुड़गांव में जो वीआईपी ओल्ड एज होम, और उसी के पैसों से। एक यहाँ माँ बाप को अपने वो एयरपोर्ट पे ग्रीन पार्क कहाँ बहुत करोड़ों का घर बेचा और बोला मम्मी तुम्हें हम लेके चले, और एयरपोर्ट पे छोड़ गया अपनी माँ को और पैसा ऐसा लेके भाग गया। तो ये अपने माँ बाप के साथ क्या कर रहे हैं, ये अपने घर वालों के साथ क्या करें, ये तो हमने इंसान को आज एटीएम मशीन बना दिया है। माँ बाप जो बच्चों को तरबियत दे रहे हैं वो छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान ये तो बहुत आगे की बात है, वो समझते नहीं है कि ये उनके साथ जो रवैया है। मैं तो दिन रात देखता हूँ, मेरा तो क्या काम है, घरों में घूमना, समाज में घूमना। अपने माँ बाप को जिस तरह से जलील कर रहे हैं, अपने घर वालों के साथ जो उनके रवैये हैं, वो तो इंसान में तो अब बिल्कुल, उसको तो आप देखिए, जब उस पर 24 घंटे है कि तुझे बड़ा बनना है, तुझे दुनिया में सबसे आगे जाना है, और इसमें बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते हैं। कोई उनसे ये कहता नहीं है कि यार तुम्हें ये दुनिया छोड़ के जानी है, ये दुनिया टेम्परे, जो बातें इंसान को जरूरी थी समझाना वो तो आज बताई नहीं जा रही है। तो उसके बावजूद उसके उसको जो जिस माहौल में उसकी तरबियत हो रही है, उसके बाद जो वो कर रहा है वो तो मुझे कमी लगता है, और बिल्कुल पागल हो जाना चाहिए इस वक्त। तो ये सब बातें हैं जिसकी तरफ हम सबका ध्यान जाना चाहिए, और इसकी शुरुआत हमें अपने घरों से करना चाहिए, अपने अपने घरों से, अपने दोस्तों से। कि बहुत ज्यादा इसको आप इस्लाम धर्म में भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा इसको अच्छा नहीं समझा गया। मैं यहाँ आते हैं नौजवान कि हम दिन में नौकरी करते हैं, रात में अखबार बेचते हैं, इसको बहुत हार्ड वर्किंग जो है वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि 24 घंटे अगर आदमी इसमें लग जाए, जो उसका आज एजेंडा है आर्थिक, उस पर बहुत जोर, तो मुझे लगता है उससे इंसान में बहुत ज्यादा उसकी बाकी चीजों में कमी आती है। तो इस पर हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। पहले स्कूलों में एक मोरल एजुकेशन होती थी, तो अब तो वो भी सब खत्म हो गई, अब तो बस यही है पढ़ाई, हंसी मजाक, मोबाइल, उसमें जो वो बेचारे करते हैं वो जो जो उनकी तरबियत होती है वो दूसरे को दबाओ, दूसरे से ये करो, वही करते हैं। शुक्रिया फैजल भाई। समय देखते हुए एक और प्रश्न है जो हम ले सकते हैं, तो कोई साथी अगर प्रश्न पूछना चाहे एक और, तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया फैजल भाई, मैं और एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछिए। ये तो ये प्रकर्ष बताएंगे। जी सलीम जी, ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं 10-12 साल से खुदा खिदमत घर से जुड़ा हूँ, लेकिन तब से हम लोग सोशल हार्मनी में काम करते आए, लेकिन ये सोशल हार्मनी हम लोग कितना काम करते जा रहे, लेकिन अलग ही सोसाइटी के अंदर इफेक्ट बढ़ते ही जा रहा है, तो ये हालत क्यों हो रहा है? यानी हम लोग का अवेयरनेस की वजह से ऐसा हो रहा, या अन्य अवेयरनेस के तरफ से हम लोग को अवेयर हो रहे हैं, ये क्या चीज है पता नहीं। काइंड ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कास्ट कैडर एंड एवरीथिंग हैज गॉन अप लाइक एनीथिंग इन इंडिया। What do you say about that? देखिए, अब ये हम सब कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, बहुत से संगठन हैं और बहुत से लोग हैं जिनका पूरा जीवन मैं जानता हूँ, चाहे वो संदीप भाई हो, प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी हो, और बहुत से ऐसे देश में लोग हैं जिनका दिन रात का सोचना। लेकिन आप ये देखिए, पहली बात तो सामाजिक कार्यकर्ता को कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए, कभी। सारी दुनिया, हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हें कयामत आती हुई दिख जाए, सामने से तुम्हें लगे कयामत आ रही है और तुम्हारे हाथ में एक पौधा है, तो
तो अब तुमको यार अब क्या करें, अब तो कयामत आ रही है, दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं, तुम छोड़ दो उसको, तुम अपना पौधा लगाओ। तो हमारा काम है वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम। हमें तो फुर्सत भी ना हो ये पैमाना। और देखिए आप सलीम सोने खान साहब बहुत मेहनत करते हैं, आपने पूरे कर्नाटक में आपका काम है। तो मैं आपको बताऊं, नबियों के दौर में भी ये होता था हजरत, हम तो इंसान हैं, जब नबी काम कर रहे हैं और उनके साथ, बाकी बातें आप तो सब जानते हैं, उसको दोहराना जरूरी नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी काम चल रहा है और नमरूद का भी काम चल रहा है। तो ये तो दुनिया में रात दिन की तरह लगे रहते हैं कि, लेकिन इसकी तरफ हमारा, हम तो ये देखें कि हमें हमारी मंजिल मिलेगी और उसके लिए हम, हाँ हम अपना सोचें कि जितनी कोशिश करनी चाहिए। आज नफरत फैलाने वाले जितनी कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे किसी धर्म में हो, अपने घर छोड़ रहे हैं, अपने इलाके छोड़ रहे हैं, और क्या दिन रात। हम लोग तो कभी कभी कोई यात्रा निकाल देते हैं, कभी कोई सद्भावना कैंप कर लेते हैं। तो वही है कि इसकी इसकी क्वालिटी भी हमें बढ़ानी है और इसकी इसका मोबिलाइजेशन भी बढ़ानी है। एक एक घर में एक एक इंसान को जाके हम कौन थे, क्या हो गए, और एक एक इंसान को जाके हमें ये इंसानियत का सबक देना है। तो उसने बड़े पैमाने पे तो आप जानते हैं कि हमने अभी नहीं किया है। और आप एक बात मुझसे, एक बहुत सांप्रदायिक संगठन के आदमी थे, तो मुझसे एक बार महाराष्ट्र में मुझे मिले और मुझे गले से लगाने लगे, बोले बहुत बढ़िया काम करते हो, और बोले देखो तुम ये बात याद रखना कि जो सांप्रदायिक लोग हैं वो आप लोग से परेशान है। वो अपनी मीटिंग में कहते हैं कि अरे ये जो थोड़े से, ये जो ऐसे लोग हैं, यही हमें हमारा एजेंडा लागू नहीं करने देना चाहते। तो आप क्या समझते हैं कि एक छोटा सा दिया जलता होता है तो रात को लूटने वाले उस दिए से भी परेशान होते हैं कि यार बिल्कुल अंधेरा कर दो। तो आप जितनी रोशनी बढ़ाएंगे वो उसने उससे ये अंधेरा लाने वाले परेशान होंगे। तो उन लोग, अच्छा वो कहीं कोई नफरत फैला, वो तो आज चाहते हैं कि बिल्कुल, लेकिन आज भी देखिए आप समाज चल रहा है। आपकी बात सही है कि वो जितना रुकना चाहिए था नहीं रुका है, लेकिन उसका इलाज सिर्फ यही है कि हम अपने काम की की तादाद को भी बढ़ाएं और उसकी उसकी जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ाएं और एक एक इंसान तक जाएं। तो ये इस दिशा में मुझे लगता है कि हमारी बातों में कोई झूठ फरेब तो है नहीं। हम मोहब्बत चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं, हम सब वो बातें चाहते हैं जो इंसान और समाज के लिए, किसी भी इंसान और किसी भी समाज के लिए बुनियादी जरूरतें हैं, ऑक्सीजन की तरह है। तो ऑक्सीजन की जैसे कोई बात करता है तो मोहब्बत तो ऑक्सीजन है, मोहब्बत नहीं होगी तो समाज में फिर क्या रहेगा। तो ये बातें करते हैं, तो ये बातें बिल्कुल सॉलिड हैं, 100% सोना है, तो ये बातें चलेंगी। लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं वो मुझे लग रहा है, क्योंकि आप बहुत काम करते हैं और फिर काम करने वालों को का दिल ज्यादा टूटता है, उनको ज्यादा नाउम्मीदी आती है। बस नाउम्मीदी को अपने अंदर मत आने दीजिए और ये समाज सही दिशा में जाएगा और ऐसा समय आएगा कि ये चीजें कमजोर होंगी और हमारी अपनी चीज मजबूत होगी। संदीप भाई आ गए, मुझे लगता है अब टाइम भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, really enlightened with your words. Thank you so much. शुक्रिया सलीम भाई प्रश्न पूछने के लिए। आपके दोनों ही प्रश्न से हम सभी को और रोशनी दिखाएगा। ठीक है, आप अनम्यूट करिए प्रकर्ष, म्यूट। हेलो। और अब ये भी है कि एक फ्राइडे या सैटरडे को हम लोग इसी पे चर्चा किया करेंगे, सब धारणा और ये सब पे। तो उसमें सलीम भाई भी बहुत कर्नाटक में, क्योंकि वो एक कॉलेज भी चलाते हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो ऐसे करके हर हफ्ते एक 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 आदमी अपनी बात रखता रहेगा, तो ये लोगों को इसमें भी और ज्यादा समझने में आसानी होगी। जी ठीक है फैजल भाई, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सुझाव है फैजल भाई, आपको हफ्ते में एक दिन जरूर हम लोगों को देना चाहिए, जैसे फ्राइडे टाइम्स होता है। जी तो मैं फैजल तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपका वो जो ऐसे तो हम अपना क्या क्या बकते ही रहते हैं, लेकिन आप सुन के थोड़ा रिस्पांस करें तो वो मेरे लिए बहुत कीमती बात है। अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम पीर बन गए हो और अब तुम्हारी गद्दी वद्दी की हम लोग घोषणा कर दे, ये जो है जामिया गद्दी के पीर
फैजल साहब, तो ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आप कर रहे हैं, और मैं तो खैर तुम्हारी बातें सुनता ही रहता हूँ। मुझे आज खुशी है अनिल मिश्रा ने पूरा सत्र सुना है। ये जब तुम जेल में थे तो मुझसे पूछते थे फैजल को मंदिर में जाके नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी। तो हमें लगता है कि अनिल मिश्रा जी को भी आज कुछ समाधान मिला होगा। अगर अनिल जी आप कोई सवाल पूछना चाहे फैजल भाई से पूछ ले आज। भैया मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास काम करने के लिए देश में तो बहुत से मुद्दे हैं, और ऐसी बात ना खो दी जाए देश के अंदर जिसमें फिरका परस्ती फैले। मंदिर मस्जिद का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है जो देश को अलग करता है, समाज को बांटता है जी। तो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये हम चाहेंगे। और तमाम काम है, जैसे किसान का काम है, मजदूर का काम है, बहुत सी लड़ाइयां हैं, असमानता की बात है, तो इस पर काम करना जरूरी है। जो बेहतर तरीके से हम ये सोच रहे हैं इस पर कि इन मुद्दों पर जिसमें वो बात ही न खुद ने पाए, जिसको बचाने की बात हो रही है, तो अच्छा रहेगा। इसमें अनिल भाई मैं इधर एक बहुत अच्छा मैं बता दूं, एक मुसलमान समाज ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और हमें वो अनिल जी की बात सही है कि कुछ चीजें जैसे परहेज के लिए वो ये कह रहे हैं, जब आदमी बीमार होता है तो घी नहीं खाता है, तो ये बीमार समाज की बात है कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वस्थ आदमी तो गुलाब जामुन भी खाता है, रसगुल्ला, लेकिन शुगर वाला नहीं खाता है। तो ये मुसलमानों के यहाँ ये शुरू हो गई ये कैंपेन, हम आओ हमारी मस्जिद देखो। तो ये करीब 100-200-500 जगह देश में वो एक दिन तय करते हैं, और जो मुसलमान लोग नहीं हैं, हमें गैर मुस्लिम भी शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो लोग आते हैं, वहाँ चाय नाश्ता होता है और सब बताते हैं। तो अगर कोई लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई ना आए तो ये उनकी छूट है, हम तो दूसरे धर्म के बात में हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन मैं क्योंकि मुसलमान हूँ तो मैं कम से कम मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि अपनी मस्जिदें बीमारों के लिए खोल दें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से बड़ी दुनिया में कोई मस्जिद नहीं है, और आयशा कहती हैं रजी अल्लाह अन्हो कि हमारी मस्जिद में बीमारों के कैंप लगते थे, हमारी मस्जिद में मुसाफिर आके ठहरते थे। तो सारी मस्जिदें दिल्ली की और दुनिया की खुलें जिसमें गरीब आके रात में सो जाए, मुसाफिर आके रुक जाए। इससे वो शेर भी है ना, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो ये कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ये धार्मिक स्थानों को भी, गुरुद्वारों इसमें नंबर वन है, हम उनको सलाम करते हैं कि 40,000 लोग रोजाना रात में गोल्डन टेंपल में भोजन करते हैं, और ये जो लंगर उनकी परंपरा गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू की थी, और वो खुद लेके आए थे मियां मीर को, जब गोल्डन टेंपल की नींव रखी गई थी, पहले ये सद्भावना होती थी। लेकिन अभी अनिल मिश्रा जी की बात है कि भाई अब माहौल ऐसा हो गया है कि हमें ये काम करते हुए सोचना चाहिए, और उसको बहुत समझदारी के साथ करना चाहिए, ये मुझे लगता है। इसमें अनिल जी का जवाब मैं भी देना चाहूंगा फैजल की बात में जोड़ते हुए। देखिए अनिल जी, ऐसा है कि आप बेहतर होता कि अगर हम धर्म की बात नहीं करते। देखिए मैं तो नास्तिक हूँ, फैजल तो धार्मिक। मैंने यही बात कही है। एक मिनट रुकिए आप, मेरा बात जी। फैजल तो धार्मिक आदमी है, नमाज पढ़ता है, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ। मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि दुनिया से सारे धर्म खत्म हो जाए, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के 99% लोग धर्म को मानते हैं। ठीक है, आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, आप किसान आंदोलन में जाइए तो वहां पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा कम लगता है, बोले सो निहाल सत श्री अकाल ज्यादा लगता है ना। और ये सबको मालूम है कि जो किसान आंदोलन की ताकत है वो सिख धर्म की जो लंगर की भावना है, सेवा की भावना है, वो है। आप खुद गए हैं वहां पे, और ये बहुत, ये हमें लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि सिख धर्म के लोग जिस तरह से सेवा करते हैं, वो भावना अगर सब धर्म के लोगों में आ जाए तो दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी। अभी दिल्ली के पास एक घटना हुई दादरी में, एक मुसलमान लड़के ने मंदिर के बाहर नल का पानी पिया और वहां के पुजारियों ने उसकी पिटाई कर दी। और मैं सोच रहा था कि अगर हम गुरुद्वारे में जाएंगे तो हमारा बिना जाति धर्म पूछे हमें खाना खिलाया जाएगा। तो आप बताइए कि धर्म किसको कहेंगे? कोई पानी पी रहा है उसको हम पीटें, ये धार्मिक काम है कि किसी की जाति धर्म पूछे बिना उसको खाना खिलाए, ये धार्मिक काम? तो सही धर्म क्या है ये हमको समझना चाहिए, और फैजल भाई वही बातें कर रहे हैं कि सही धर्म को पहचाने।
जो सवाल आप कर रहे हैं ये सवाल हमसे बहुत सारे लोग पूछते थे, हमारी सोशलिस्ट पार्टी के अंदर पूछते थे और दूसरे लोग भी पूछते थे कि फैजल को मंदिर में जाके नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, और इसका अगला सवाल भी पूछते थे कि क्या हम मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। तो मेरा जवाब ये था कि देखिए, अगर आप फैजल की तरह अगर आप हिंदू धर्म को समझते हैं, आप देखिए फैजल जो है रामचरितमानस की चौपाइयां भी पढ़ लेते, तो मैं उनसे कहता था कि अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप कुरान पढ़िए, पहले आप इस्लाम धर्म की समझ बनाइए, और अगर आपको जैसे फैजल को मंदिर के पुजारी ने अनुमति दे दी थी वहां नमाज पढ़ने की, अगर मस्जिद का इमाम आपको वहां हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत दे दे तो आप शौक से पढ़िए। तो आपको तो ऐसा माहौल बनाना है, आपको मालूम है कि अयोध्या में हम लोग एक ऐसा सर्वधर्म सद्भाव केंद्र बनाना चाह रहे हैं जिसमें दुनिया के किसी भी धर्म का व्यक्ति आके अपनी तरीके से अपनी पद्धति से वहां पूजा कर सके, किसी पे रोक ना हो। तो भविष्य के धार्मिक स्थल ऐसे होने चाहिए कि जहां कोई भी धर्म को मानने वाला जा सके और अपने हिसाब से वहां जो करना चाहे करे, सबका स्वागत हो, किसी पे रोक ना हो, किसी के साथ मार पिटाई ना हो। ये किसी के साथ मार पिटाई करना ये किसी भी तरीके से धार्मिक काम के रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो जो धर्म का मानवीय पहलू है उसकी बात फैजल कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि धर्म को उसी के रूप में स्वीकार किया जाए, और जो धर्म के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है और उसके ऊपर जो राजनीति हो रही है, इस तरह की राजनीति और इस तरह की नफरत की बातें बंद होनी चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। और आपकी गंगा यात्रा में भी हम लोग मस्जिदों में, जबकि सब साधु संत थे, लेकिन मस्जिद में आप सब लोग खाना खाते थे, दो जगह ऐसा हुआ जी। और फैजल की जब गिरफ्तारी हुई तो स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा कि अरे फैजल तो जितना मुसलमान है उतना गंगा भक्त भी है, वो तो गंगा की यात्रा लेके आया था। और स्वामी शिवानंद सरस्वती ने फैजल का मंदिर में जो नमाज पढ़ना था उसको जायज ठहराया, उन्होंने कहा वो तो धार्मिक व्यक्ति, वो तो चाहे किसी भी धर्म, वो जब सब धर्मों का आदर करता है तो इसमें फर्क क्या पड़ता, तो वो तो इस्लाम धर्म का भी उतना ही आदर करता है जितना हिंदू धर्म का करता है। तो ये असली बात है देखिए, और जो सच्चा धार्मिक व्यक्ति होगा वो इस बात को कहेगा। और देखिए, आप शिवानंद सरस्वती को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सच्चा धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है, जो गंगा में अवैध खनन के खिलाफ लड़ रहा है और बिल्कुल भी कहीं भी कोई समझौता करने को तैयार नहीं। तो ये होता है असली धर्म की अपनी बात पे अडिग रहना और उसके लिए अपनी जान भी दे देना। जो अधिकतर धार्मिक लोग इस समय हैं, वो अपनी जान नहीं देंगे, वो सिर्फ धर्म के नाम पे मंदिर मठ बना के और वो पैसे का व्यापार चला रहे हैं, वो धर्म के नाम पे व्यापार कर रहे हैं। तो खैर, ये बातें लंबी हो रही हैं। जैसा बॉबी ने कहा और फैजल ने भी कहा, हम लोग चाहेंगे कि ये बातें और हो, खुल के हो, और इसके लिए तय हुआ है कि खुदाई खिदमतगार की तरफ से सत्याग्रह में हरेक शुक्रवार को, शुक्रवार तय हुआ है, वो शनिवार भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल उसको शुक्रवार ही रखते हैं। और ये तय किया गया है कि कृपाल मंडलोई जो इस समय बातों को सुन रहे हैं नीमच मध्य प्रदेश से, वो इसका इसका कोऑर्डिनेशन करेंगे, वो तय करेंगे फैजल भाई के साथ चर्चा करके कि कौन स्पीकर रहेगा और कौन मॉडरेटर रहेगा, जैसे आज के मॉडरेटर प्रकर्ष थे और स्पीकर फैजल भाई थे। और इसमें बॉबी भाई का एक नियम है कि इसमें महिलाओं को जरूर शामिल किया जाए, तो अपने वक्ता में भी और अपने मॉडरेटर में भी कृपाल भाई इस बात का ध्यान रखेंगे कि महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी हो। आज किसी महिला की कोई भागीदारी नहीं रही, ये खेद की बात है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि महिलाओं की कम से कम आधी भागीदारी रहे। तो वक्ता या मॉडरेटर में, हाँ रुखसाना है लेकिन रुखसाना बोल नहीं रही है, तो हम चाहते हैं कि महिलाएं भी जो है भाग लें पूरी चर्चा में। ये बात सही है, रुखसाना के आज दो सवाल आए हैं, तो मॉडरेटर या वक्ता में एक कम से कम महिला हो, ऐसी हम कोशिश करें। और अगर कोई वक्ता ना मिले तो फैजल भाई है ही है, फैजल भाई की बातें लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसका प्रभाव पड़ रहा है इस समय देश के अंदर। और ये फैजल भाई जेल जरूर चले गए, लेकिन ये बात है कि जेल जाने के बाद किसी भी एक आदमी ने उनसे ये नहीं कहा जो उनसे मिला कि आपने गलत किया, बल्कि सब लोग उनके मुरीद हो गए, सब लोग कह रहे हैं कि ये बातें तो और होनी चाहिए, लोग इन बातों को सुनना चाहते हैं। तो हमारे पीर फैजल साहब जो है हर एक
शुक्रवार को इस सत्र सत्याग्रह में अगर प्रकर्ष थोड़े दिन दो तीन हफ्ता मॉडरेटर का बन जाए तो सही रहेगा, फिर उसको जब दिशा मिल जाए तो ये कोई और कर दे। प्रकर्ष तो है ही, मैं चाहूंगा कि कृपाल भाई ही तय करें कि कौन मॉडरेटर रहेगा। अगर उनको कोई मॉडरेटर नहीं मिल रहा होगा तो प्रकर्ष भाई करेंगे, बस सही। लेकिन मॉडरेटर भी बदले और वक्ता भी बदले, ऐसा हम करें ताकि जो फैजल डाइवर्सिटी की बात करते हैं वो डाइवर्सिटी भी हमको देखने को मिले। बल्कि ठीक है संदीप भाई, मैं फैजल भाई से डिस्कस कर कर और बॉबी भाई और ये सबके नंबर भी ले लीजिए प्रकर्ष कृपाल भाई। बॉबी और अंकित गोयल ये पूरे सत्याग्रह का वो करते हैं कोऑर्डिनेशन, और उसमें फ्राइडे का कोऑर्डिनेशन आप करेंगे कृपाल, ठीक है? तो फ्राइडे 7 बजे आपके वक्ता और मॉडरेटर मौजूद रहे, ये जिम्मेदारी आपकी हो, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग इसका समापन करते हैं। और ये बहुत अच्छा रहा कि ये बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि ये बातचीत आमतौर पर होती नहीं। और आपको बता दें कि यहाँ जितने 12 लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा हजारों लोग इसको फेसबुक पे देखते हैं। तो ये बात जितनी ज्यादा दूर तक पहुंचे उतना अच्छा होगा। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, प्रकर्ष का खास करके जिन्होंने आज अपना पहला मॉडरेशन का काम किया, और फैजल किया है प्रकर्ष ने, प्रकर्ष ने बहुत अच्छा मॉडरेशन किया, और फैजल तो कह रहे हैं इनका तो कोई कहना ही नहीं है, अब आप अब तो सारी दुनिया इनकी बात सुन रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक हफ्ते कम से कम फैजल की कुछ बातें, अगर पूरे सत्र में ना भी आए तो कम से कम वो 2-4 बातें ही कह दें, वही बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, तो वो बातें लोगों को सुनने को मिले, ऐसा हम कोशिश करेंगे हर एक शुक्रवार को। इसके साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसमें शामिल हुए। और रुखसाना बहन, आप अगली बार अनम्यूट करके अपनी बात कहिएगा खुद। चलिए शुक्रिया, ठीक है, धन्यवाद फैजल भाई, धन्यवाद संदीप अंकल, और सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।